ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैं 2 mm के बीड्स यूज़ करूँगी, और आप कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। तो इसे राइट साइड पे इस तरह से थ्रेड को अटैच करेंगे क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे बना दिया इस तरह से, मैंने अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद इस तरह से रैप करेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे थोड़े से डिस्टेंस पे। इस तरह से 1 finger रख दें आप, तो आपको समझ में आएगा कि कितना रखना है। क्रोशे हुक को इस तरह से स्लांटेड रखेंगे, पुल करते हुए डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। तो मैं ये 2 times बनाऊंगी डबल क्रोशे, और सेम गैप में बनाना है। इस तरह से अब चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब ये जो 2 double crochet बनाए हैं इसके बीच के गैप में हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरह से, और एक सिंगल क्रोशे बना देंगे। तो मैं इस तरह से चेन 3 का पिकॉट बना रही हूँ इनके बीच में। फिर से मैं बनाऊंगी डबल क्रोशे सेम गैप में, और चेन 3, 1 2 3, ये दोनों के बीच में हुक इंसर्ट करते हुए सिंगल क्रोशे। अब मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी फिर से यही गैप में। ये 2 times पिकॉट बनाने के बाद 3rd time मैं इसमें बीड्स ऐड करूंगी। 3 pearls या बीड्स को ऐड कर दें। इसे ऐड करने के बाद ये जो डबल क्रोशे है, 2 double crochet के बीच में जिस तरह से हम सिंगल क्रोशे बनाते हैं वैसे ही सिंगल क्रोशे बनाते हुए ये बीड्स को अटैच कर देंगे पुल करते हुए। अब फिर से सेम रिपीट करेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे और 2 times हमें पिकॉट बनाना है। सेम गैप में हुक इंसर्ट करें, डबल क्रोशे, 3 chains और ये गैप में पिकॉट। फिर से डबल क्रोशे, 3, ये गैप में डबल क्रोशे के अराउंड जाकर इस तरह से पिकॉट। तो स्टार्टिंग में 2 picots और ये पर्ल लगाने के बाद 2 picots। फिर एक चेन बनाएंगे और इसे इस तरह से स्ट्रेट रखते हुए फैब्रिक पे इस तरह से रखेंगे स्ट्रेट, और इसे अटैच कर देंगे। इस तरह से अब ये जो शेल बना है पर्ल के साथ में, इसके बीच में हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो मैं चेन 3 सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। मैं ये 5 times रिपीट करूँगी, 1 2 3 सिंगल क्रोशे, इस तरह से रिपीट करने के बाद फिर से मैं शेल बनाना स्टार्ट करूँगी। तो इसे रिपीट करने के लिए हमें किस तरह से करना है, चेन 1 बनाएंगे, अब डबल क्रोशे बनाएंगे थोड़े से डिस्टेंस पे जाते हुए इस तरह से पुल करेंगे थोड़ा, और इलोंगेटेड डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब 3 chains बनाएंगे और ये जो गैप है यहाँ पर इसमें पिकॉट बनाएंगे। तो अब मैं सेम इसी में रिपीट करते जाऊंगी।
दो टाइम होने के बाद थर्ड डबल क्रोशे बनाऊंगी और पर्ल के साथ में या बीट के साथ में हम पुल करते हुए यहाँ पर पिकॉट बनाएंगे। तो इस तरह से सेम रिपीट करें और ये डिज़ाइन को कंप्लीट करें।